दोस्तों इतनी कड़कती ठंड, इतनी जो पाला पड़ रहा है, इतना कोहरा लग रहा है, उतनी ठंड में भी देखिए मनी प्लांट का पौधा कितना हरा भरा हो रहा है। अगर आपने मनी प्लांट का पौधा लगाया है और उसके पत्ते पीले हो रहे हैं और पीले होकर झड़ भी रहे हैं और मनी प्लांट का पौधा ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसकी वजह से आपका मनी प्लांट का पौधा हरा भरा रहेगा, और इसमें कौन कौन सी खाद का मैंने प्रयोग कर रखा और पौधे को किस प्रकार के पॉट में लगा रखा, ये सब जानकारी मैं आपको दूंगा, जिसकी वजह से आपका मनी प्लांट का पौधा, देखिए जैसे मेरे मनी प्लांट का पौधा है, देखिए कितने बड़े पत्ते भी इसमें इतने साइज के हो रहे हैं, इसमें मैंने कौन सी खाद यूज करी और किस प्रकार से इसकी केयर करी, वो सब जानकारी मैं आपको दूंगा। आप वीडियो में बने रहिए, और जो लोग मेरे चैनल में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले आप मनी प्लांट का पौधा अगर लगाते हैं, इस समय जो होता है सर्दी का मौसम होता है, ये जनवरी लास्ट चल रहा है अभी, तो जो सर्दी का मौसम होता है इस समय जो पाला पड़ता है उससे मनी प्लांट के अपने पौधे को ज़रूर बचाएं। और इसको बचाने का एक तरीका है, आप इसको अगर लगा रखा आपने तो आप इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ ऊपर से पाला ना पड़ सके इसमें, या ऊपर से आप इसमें कुछ पन्नी लगा दीजिए, अगर आपका बाहर से है तो इसमें पन्नी लगा दीजिए ऊपर से, या ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पाला इसमें डायरेक्ट ना पड़े। और मनी प्लांट के पौधे को आप अगर हल्की सी सुबह की धूप आती है ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ हल्की सी 1 घंटा आधा घंटा जो धूप मिलती है डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट सनलाइट जो मिलती है, अगर ऐसी जगह पर भी रखेंगे तब भी आपका पौधा हरा भरा रहेगा। ये जो मैंने पौधा रखा है देखिए, ये इसमें डायरेक्ट जो है सनलाइट इसमें डायरेक्ट पड़ती है, ये दिन भर की सनलाइट पड़ती है इसमें, इसलिए मैं इसको थोड़ा, जैसे अभी 1 घंटा इसको बाहर रखा है तो इसको थोड़ा छाया वाली जगह में रख देता हूँ मैं दिन भर, 1 घंटा सुबह इसको धूप वाली जगह में रखता हूँ, उसके बाद इसको छाया वाली जगह में रख देता हूँ। तो इस प्रकार से आप मनी प्लांट लगाते हैं तो उसको ऐसी जगह पर रखिए। और इसमें जो पानी का यूज है, पानी की मात्रा आप इसमें जैसे डेली दे रहे हैं पानी, तो डेली देंगे तो इसमें जो फंगस लगने का डर रहता है, तो आप इसमें जैसे पत्ते हैं इसके, इनको साफ करते रहिए, बीच बीच में आप इसमें पत्तों में अगर पानी का छिड़काव करते रहेंगे तो इसके पत्ते जो हैं हरे रहेंगे। अगर आप मिट्टी में नहीं डाल रहे पानी तो इनके पत्तों में डाल दीजिए, 2-3 दिन में एक बार पत्तों में डाल दीजिए, और 2-3 दिन बाद इसमें मिट्टी में डाल सकते हैं पानी, और पत्तों में इसको पूरा साफ करिए। देखिए जैसे इसमें जो मिट्टी बैठती है उसकी वजह से भी जो पत्ते होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, कुछ पत्ते इसमें देखिए, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, आपके जो मनी प्लांट के पत्ते हैं इस टाइप से पीले हो जाते हैं, उनको आप निकाल दीजिए, जो भी पत्ते पीले दिखते हैं आपको उनको निकालते रहेंगे टाइम टाइम पर, तो आपका मनी प्लांट का पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और जो इसमें फंगस लगने का डर रहता है वो भी नहीं रहेगा। जब भी आप मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं तो जो मिट्टी होती है, इसकी मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण होती है, मिट्टी कैसी तैयार करें इसमें, उसके लिए आप देखिए जो ये मिट्टी होती है इसमें आप गार्डन सॉइल ले सकते हैं, गार्डन सॉइल 50% गार्डन सॉइल लीजिए और 40% इसमें काउडंग कंपोस्ट ले लीजिए। काउडंग कंपोस्ट जो होता है आपको फुली डिकम्पोस्ट चाहिए, सड़ी हुई गोबर की खाद, 1-1.5 साल पुरानी इस प्रकार की खाद लीजिए 40%, और इसमें थोड़ा सा यूज करिए आप इस चीज़ का, देखिए मैंने ये यूज कर रखा, ये केले के छिलके हैं, इनको आप डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकते हैं सुखाने के बाद, धूप में सुखाने के बाद, उसके बाद इसको इसमें जो चाय पत्ती होती है आपकी, जो चाय पीते हैं उसके बाद जो चाय बच जाती है, चाय पत्ती बच जाती है, उसको आप बिल्कुल सुखा लीजिए, धूप में ड्राई कर दीजिए, उसके बाद इसको इस मिट्टी में ही इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, इस प्रकार से डाल के आप थोड़ी बहुत मात्रा ये चाय पत्ती की यूज कर सकते हैं, ये खाद का रूप होती है, इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत होती है जो पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए कारगर होती है, और इसमें जो काउडंग कंपोस्ट है ये 40% यूज करेंगे, और जो मेन चीज़ है 10% आपने जो यूज करना है इसमें, जो राइस हस्क मिलता है आपको मार्केट में या कहीं भी राइस हस्क मिलता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है आजकल राइस हस्क, उसका भी यूज कर सकते हैं, राइस हस्क का यूज इसमें करेंगे तो आपकी मिट्टी जो है बहुत पोरस बनेगी, मिट्टी पोरस होगी तभी जो मनी प्लांट की जो पौधे की जड़ें हैं वो उसमें अच्छे से फैल पाएंगी। ये देखिए इस प्रकार से राइस हस्क आप 10% ये यूज कर लेंगे, तो इस प्रकार से जो इसकी मिट्टी तैयार करेंगे 40% 50% गार्डन सॉइल, 40% काउडंग कंपोस्ट, और इसमें 10% जो है राइस हस्क यूज करेंगे, राइस हस्क वाली जो मिट्टी होगी आपकी मनी प्लांट के पौधे के लिए बहुत बढ़िया होती है। तो इसमें खाद में तो मैंने बता दिया आपको, आप चाय पत्ती की खाद और जो केले की छिलके हैं इनकी खाद आप यूज कर सकते हैं इसकी मिट्टी में इस प्रकार से, और इसमें जो खाद देनी है बीच बीच में आप 8-10 दिन में इसमें जो खाद देंगे वो जो काउडंग कंपोस्ट है, ये देखिए इस प्रकार से काउडंग कंपोस्ट इसके चारों तरफ जो मिट्टी होती है उसमें इस तरीके से डाल देंगे।
और इसमें जो पानी की मात्रा है बहुत कम करेंगे। पानी अगर ज़्यादा होगा तो इसकी जड़ें जो हैं वो ख़राब होने का डर रहता है। और वैसे भी मनी प्लांट का जो पौधा आपने देखा होगा, बेल रूपी होता है, इसमें जो साइड की जो जड़ें निकलती हैं, देखिए ये यहाँ से ये नोड एरिया होता है। अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो ये नोड एरिया से आप इसको अगर पानी में लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ से कट करके इसको लगा सकते हैं। ये जड़ें जो होती हैं, ये अगर आपने पौधा लगाया है इसको हर हमेशा जो है जो मॉस स्टिक होती है, मैंने मॉस स्टिक देखी किस प्रकार से बना रखी, एक कपड़ा लिया है उसको डंडे में लपेट के यही मॉस स्टिक बनाई है। आप अगर मार्केट से लेंगे तो महंगी पड़ेगी, आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये मॉस स्टिक में अगर ये जड़ें लगेंगी तो इसमें भी खाद की ज़रूरत होती है। जो ये मॉस स्टिक लगी है इसमें भी आप जो खाद है लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई भी आप इसमें डालते रहिए, बीच बीच में 8-10 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें भी होगा। तो जड़ें इसमें लगकर जो है ग्रोथ अच्छी करेगा पौधा। और कभी भी जो पौधे की जो जो ग्रोथ आती है, देखिए जैसे इस प्रकार से नीचे को आ रही थी, ये इसको ऐसे हमेशा ऊपर की तरफ को लगाइए। मनी प्लांट जब ऊपर की तरफ को होगा तभी इसमें अच्छी ग्रोथ होगी और पौधा हरा भरा रहेगा। तो इस प्रकार से आप मनी प्लांट को लगा सकते हैं इसमें मॉस स्टिक में, मॉस स्टिक में पूरा लपेट के ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। और देखिए इसमें देखिए पत्ते जो बड़े साइज का हो रखा, इसका जो रीज़न है जो इतने पत्ते इतने बड़े साइज के हो रखे, इसमें मैं जो डेली जो खाद देता हूँ 8-10 दिन में, जो गोबर की खाद और चाय पत्ती की जो खाद होती है वो देते रहता हूँ, तो उसकी वजह से इसमें जो पत्ते का साइज भी बड़ा हो रखा आप देख सकते हैं। तो मनी प्लांट की केयर आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने छोटा मनी प्लांट का पौधा अगर घर में लगा रखा है तो अगर आप उसको बड़े पॉट में लगाएंगे तो जैसे 8-10 इंच से ऊपर के पॉट में लगाएंगे तभी उसमें अच्छी ग्रोथ होगी। दोस्तों मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए मैं आपको एक लास्ट में जो एक आइडिया दे रहा हूँ जिसकी वजह से आपका मनी प्लांट का पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और इसके जो पत्ते हैं हमेशा हरे भरे रहेंगे। इसमें जब भी आप जो पौधा होता है इनकी पत्तियों में देखते होंगे ये गंदगी जैसे धूल मिट्टी इस तरीके से लग जाती है, तो उससे क्या होगा इसकी जो जो छेद होते हैं जिससे ये ऑक्सीजन वगैरह देता है प्लांट, और इसमें जितनी भी खाद वगैरह देते हैं वो छेदों से जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि उसमें धूल मिट्टी जम जाती है। तो इसको आप एक तरीका है जैसे आप पानी के एक गिलास पानी लेंगे उसमें एक बूंद जो है सरसों का तेल होता है उसको डाल के अगर इनके पत्तों को इस तरीके से साफ़ करेंगे और हर हफ्ते साफ़ करेंगे, मैं इसी तरीके से करता हूँ, वो पत्तों को एक बूंद तेल डाल के पानी में इस तरीके से साफ़ करेंगे तो इसमें चमक भी आएगी और पौधे के जो पत्तों में जो छिद्र होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन वगैरह मिलती है और इसको पौधे की जो अच्छी ग्रोथ होती है वो जो है छिद्र खुल जाएंगे और पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। तो आपको जो ये तरीका बता रखा आप इसको हर हफ्ते यूज करेंगे तो आपके पौधे में भी अच्छी ग्रोथ होगी और पत्तों का साइज भी बड़ा होगा। दोस्तों मनी प्लांट के संबंध में जो ये मैंने वीडियो बना रखा, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका मनी प्लांट का पौधा भी इसी तरीके से हरा भरा रहेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस जो मैंने तरीके बता रखे इनको यूज ज़रूर करना, और यूज करने के बाद आपके मनी प्लांट में कैसी ग्रोथ हुई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और आगे अपने रिलेशन वालों को अपने दोस्तों को ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।